वी आर सेवा ग्रुप में चलते हैं लड़के लोग, वो लड़के लोगों ने एक अच्छा चार लाइन का एक कड़ी बनाई है, ख्याल चंद बहुत सरस, वी आर करता मुनि भगवान ना स्वास्थ्य अच्छा रहे, वी आर करता पहला तमें क्यारे अभी मंगल कामना अमर माटे क्यारे करी। और आपको मालूम नहीं तो बताऊं, महाबोधि सूर्य ने वी आर सेवा ग्रुप की जो स्थापना की, इनके पीछे पूज्यपाद जम्बुवी जी महाराज का स्वर्गवास था। जम्बुवी जी महाराज वी आर करते करते अकस्मात में शांत हो गए, तब वो महाबोधि के मन में एक विचार आया, ऐसी कितनी संपत्ति हम गंवा देंगे, शायद हजार साल में ऐसे जो मुनि भगवान नहीं मिले थे वो मिले, अपने आप से चले गए, शांत हुए, इनका दुख नहीं था, मगर यह अकस्मात और एक छोटा सा बीज इनके मन में पैदा हुआ और इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। मैं तो महाबोधि को लिखता हूं, दोस्त तूने तो कमाल कर दिया, कमाल, हजारों साल तक साधु साधी की सुरक्षा करने के बाद तूने कमाल कर दिया, कमाल। एक पाली थाना की रक्षा की बात आई तो पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा, वो स्थावर तीर्थ था, एक स्थावर तीर्थ की रक्षा के लिए पूरा चैन संघ एक हो सकता है, साधु साधी की रक्षा जंगम तीर्थ है, और यह जंगम तीर्थ की रक्षा करने का बीड़ा उसने उठा लिया, गली गली पे गए, गांव गांव पे गए और सब कुछ करके संगठन कर दिया, क्या कमाल। हम विहार करके जाते, विहार सेवा ग्रुप वाले जल्दी आ जाते, साधी भगवान को मैं पूछता हूं, साधी भगवान बोलते विहार करने के वाले जो लड़के आ जाते निश्चिंत हो जाते, मालूम है तुम्हारा विहार सेवा ग्रुप का पुण्य क्या है, मालूम है तुम्हें, आप आपके घर में रात देखते हो कि मुनि भगवान गोचरी कब आए, विहार सेवा ग्रुप ना छोकरानी अमे राजीए छी क्या रे आवे पची विहार करिए। ये महाबोधि सूरी ने एक फाउंडेशन बना दिया, फिर सबने उठा लिया, और आचार्य भगवान ने कोई पक्षपात किए बिना, गच्छ पक्ष बीच में नहीं आता है, हर एक आचार्य भगवान की जहां जहां भी क्षमता थी, जैसे शिविर की शुरुआत भुवन भानु सिम्मा ने की, फिर पूरी शिविर पूरे जैन शासन में फैल गई, हजारों साधु साध्वी सबने शिविर शुरू की, मगर फाउंडेशन भुवन भानु सूरी महाराज थे, वी आर सेवा ग्रुप का फाउंडेशन महाबोधि सूरी थे।